सावित्री, हे यमराज, मेरी तरफ से आपके श्री चरणों में प्रणाम है। अब कहिए क्या कहना। बेटी प्रणाम, दूध नहाओ, पोतो फलो, भगवान आपका भला करे। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। जी, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, मेरे पीछे क्यों आ रही हो? क्योंकि आप मेरे पति के प्राणों को अपने साथ लेके जा रहे हो। तेरे पति को प्राणों को ले जाना ये मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, मेरा कर्म है। मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे पति के अलावा मेरा और मेरे परिवार का कोई दूसरा सहारा नहीं है। आप चले जाना, लेकिन हे यमराज, इस बेटी की एक विनती सुनते चले जाइए। कुछ कहना चाहोगी? जी, मैं भी सुनना चाहता हूँ। सुनिए। सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे पे खाले मेरी, अरज सुनो कुदरत का नेम बेटी, सत्वान की तेरे सत्वान की तो जिंदगी इतनी इब आखरी सटेम बेटी, ओ सत्वान की जिंदगी इतनी इब आखरी सटेम बेटी। बिना पति के दुखियारी, ओ बिना पति के दुखियारी की जिंदगानी बेकार हो जा, नहीं हिमाती कोई मेरा, नाव मेरी मजदार हो जा, अंधे सा ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा, अंधे सा ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। हो मेरे दिल पे ला गे चोट ओट कर हे महाराज, बचा ले मेरी अरज सुनो यमराज। सावित्री जी, आपने अभी कहा, उसके अनुसार मैं ये जान पाया कि तुम्हारे पति तो चले गए। जी, तुम्हारे पति के अलावा क्या तुम्हारा कोई देवर जेठ नहीं है? नहीं। आपके सास ससुर अंधे हैं? दोनों अंधे हैं। कुछ तो दिखता होगा थोड़ा बहुत? बिल्कुल अंधे हैं। बिल्कुल दिखाई नहीं देता? नहीं। सावित्री, देवर जेठ भी नहीं है? नहीं। एक साल विवाहिता रही हो तो निश्चित कोई बेटा बेटी आपको जरूर होगा। मैं संतानहीन हूं अभी तक। लाडो, इतनी बात जानने के बाद मेरे रोंगटे तो खड़े होते हैं। मैं तेरी जैसी सती को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। बोलिए दादी सती की जय।
मैं तेरी जैसी सती औरत को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है बेटी, इतना दर्द जानने के बावजूद भी मैं तेरे पति को तो तुझे नहीं लौटा सकता तो? पर अब तुझे कुछ ना कुछ जरूर दे के जाऊंगा। क्या कुछ? सुन ले, कहिए। खुश हो शीश झुका दूंगा, पर लहास के अंदर, लहास के अंदर प्राण दोबारा क्या हरगज भी नहीं डालूंगा। तो? तू और चीज, तू ते और चीज कुछ भी ले ले, मैं ना बचनो ते हारूंगा। और चीज कुछ भी ले ले, मैं ना बचनो ते हारूंगा। झोली फैलाई दुखिया ने, झोली फैलाई दुखिया ने, हे महाराज मेहर कर दो, समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो। अगर आप देना चाहते तो पहले तीन वचन भर दो, अगर आप देना चाहते तो पहले तीन वचन भर दो। हो फिर मांगू महाराज लाज मेरी के हो तुम रखवाड़े मेरी, अरज सुनो या महाराज। जी अभी ये आपने क्या कह दिया कि अगर आप देना चाहते तो पहले तीन? हाँ, ये मेरी जिद है कि मैं मांगूंगी तभी कि जब आप वचन भर लोगे। वचन दूंगा मैं और जिद होगी तेरी, ये कैसा न्याय? क्योंकि आपने मुझे बेटी बोला है और बच्चे जिद तो कर ही सकते। हाँ, तुम मेरी बेटी और बेटी से भी बहुत बढ़ के हो। और मैंने कहा जहाँ मुझे सती दिखाई देती है, साथियों जिस धरा पर सती पैदा हुई हो वो तो भूमि भी बड़ी आदरणीय शीश झुकाने के योग होती है, जैसे आज ये ऊंचा माजरा में सती का प्रोग्राम हो रहा है। हे यमराज जी, जब तेरे बगैर मांगे मैं तुझे कुछ दे रहा हूँ तो तीन वचनों में बांध रही हो। हाँ, जब ही मांगूंगी। क्या तुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? भरोसा है, लेकिन ये मेरी जिद है कि मैं मांगूंगी तभी महाराज। तेरी जिद को मैं जानता हूँ दादा रतन सिंह, जो ये मांगेगी ना तीन वचनों में, मैं यमराज हूँ, इतना पागल नहीं हूँ, छोटे दिमाग का नहीं हूँ। अच्छा, जो तू मांगना चाह रही है वो नहीं मिलेगा। क्या मांगना चाह रही हूँ मैं? मैं तुझे तीन वचन दे दूंगा। हाँ, पर एक शर्त है। कैसी शर्त? सुन ले, वो सुनाइए। सुन ले। हाँ। हुए हुए। सुन। हाँ, सुन रही हूँ। यार सत्वान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन। हाँ, समझ गई? हाँ, समझ गई। एक सत्वान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन। राजपाट धन दौलत चाहे जीत, राजपाट धन दौलत चाहे मांग लिए बुद्धि परवीन। अब बेखटके, हाँ, अब बेखटके मांगो सावित्री, मैंने दे दिए बचन एक दो तीन। बेखटके मांगो सावित्री, मैंने दे दिए बचन एक दो तीन। सास ससुर अंधे मेरे, उन्हें आँखों का उजियारा दे दो एक वचन। हाँ हाँ, जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापिस राज हमारा दे दो। दो वचन। मेरा वचन तीसरा, मेरी कोख से मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा, मेरी कोख
प्यारा दे दो बचन तीसरा मेरी पोथ से मुझको बेटा प्यारा दे दो मने ना चाहिए कुछ और बोले करे अपना वचन निभाले मेरी अरज सुनो या मरा हो गए तीन बचन कोई परेशानी हुई आपको नहीं हुई ना मैं परेशानी मुझे कोई बात नहीं है एक बात सुन ले हाँ अभी तो मैं यहाँ मौजूद हूँ इन तीन बचन के अलावा भी और कुछ थोड़ा बहुत चाहिए माल खजाना दौलत शोहरत कुछ और चाहिए ना 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 महाराज बस इतनी कृपा कर दो तीन बचन चाहिए ना बस यही पूरे कर दो और जल्दी करो थोड़ी सी तो दादी कर दो उसके तीन बचन पूरे महाराज जल्दी करो मेरे अंधे सास ससुर बाट देख रहे होंगे तथास्तु कमाल कर दिया हो गया काम तेरे तीनों वचन पूर्ण होंगे हाँ यमराज का वायदा है हाँ जा अब तुरंत अपने घर वापस चली जा चली जाऊंगी चली जा लेकिन वचन तो पूरे करो कर दिए कैसे कर दिए मेरे समझ में तो आए नहीं जैसे ही मैंने तथास्तु कहा तीन वचन पूर्ण समझ लीजिए हाँ समझ लूंगी लेकिन कैसे कैसे पूरे कर रहे हो वो तो बताओ अरे जो तूने मांगा वही मेरी तो एक ही शर्त थी वो तेने मान ली और बाकी मैंने मान लिया क्या मांगा है मैंने जो भी कुछ मांगा है वो मैंने सब क्या मांगा है और क्या पूरा कर दिया ज्यादा जिद मत कर मेरे पर चली जा ना महाराज कह के बता दो कि ऐसे ऐसे वचन पूरे होंगे फिर चली जाऊंगी भाई याने तो हद ही कर रहा है पीछे नहीं छोड़ रही हमारे ले हम पूरा कर देते हैं तेरे तीनों बच्चों को फिर तो चली जाएगी पक्का चली चली जाएगी ना चली जाऊंगी ठीक है ले चली जा हाँ। यार रोक लियो ना इन्हें अरे सास ससुर तेरे सास ससुर तेरे ठीक मिलेंगे सास ससुर तेरे ठीक मिलेंगे सास ससुर तेरे ठीक मिलेंगे आंखों का उजियारा दिया एक वचन पूरा किया तेरी बुढ़िया ऐसी ही ना जैसी ये दो बुढ़िया बैठी हो कुर्सी ऐसी ही बिल्कुल इनकी 20-20 साल आयु बढ़ेगी इनको देखना अच्छा लग जाएगा ठीक बहुत बढ़िया ठीक है एक वचन पूरा हो गया हाँ और सास ससुर तेरे ठीक मिलेंगे आंखों का उजियारा दिया एक कंप्लीट हो गया जो छलते लिया मंत्री ने और जो दुश्मन ने छीन लिया री वो वापिस राज तुम्हारा दिया दो वचन हो गए महाराज जल्दी जल्दी करो तीसरा भी कर रहा हूँ तुरंत चली जाइयो हाँ, तुरंत जो छलते लिया मंत्री ने वो वापिस राज तुम्हारा दिया मेरा बचन तीसरा तेरी कोख से एक तुझको बेटा प्यारा दिया वचन तीसरा तेरी कोख से जा तुझको बेटा प्यारा दिया जा चल बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जो आपने मेरे वचन पूरे किए अब कर दो जल्दी वचन पूरे हाँ हो गए चल अब चली जा हैं? चली जा चुपचाप महाराज जबरदस्ती मत भगाओ ऐसे अगर मेरे वचन पूरे हो जाते ना तो आप मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहते मैंने तीनों वचन पूरे दादा कर दिया कि नहीं कर दिए ना करे ना करे सारा तो समाज मना ये दादी गवाह इस बात की ले 10 रुपया ले ले विदा के और एक पत्तल ले जाइयो और चली जा अब जा चली जाऊंगी लेकिन मेरे वचन पूरे करो पहले भाई मैंने कर दिए अगर आप मेरे वचनों को पूरा कर देते तो मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहते तो मेरी कसम दादा कर दिए कि नहीं करे अब बूढ़ों को माल करो भाई मैं कह रहा हूँ कर दिए कैसे कर दिए मेरा वचन तीसरा तेरी कोख से तुझको बेटा प्यारा दिया वचन तीसरा तेरी कोख से तुझको बेटा प्यारा दिया ख्याल करो हरे राम पैसले अकल ठिकाने लियाओ रे क्यों बिना
बिना पति, अरे बिना पति पतिव्रता पे कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जिलाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जिलाओ रे। मेरे पति की बेटी ये बात थी दादा। अब यमराज तो रंडुआ है, हमें तो पता नहीं ना। हाँ महाराज, पहले क्यों ना बताई तेने ना। आप बताओ, आप बड़ी बड़ी फेंक रहे थे ना जब से, आप ही बताइए कि जब एक सती औरत का जति मर्द ही इस दुनिया में नहीं रहेगा तो उसे कैसे संतान हो सकती है। एक मिनट हो सकती है। शुक्रिया माता जी। दादी एक मिनट, दादी बिना पति के बालक ना हो अरे है जाए भाई साहब। दादी बता ना हो महाराज लोगों को मार। देखो सुनो, यहाँ बहुत लोग यूं करें बिना पति के नहीं हो। भाई तुम्हारी तो तुम जानो, मैंने तो कई मंदिरन पे बाबा जी के यहाँ औरत देखी है। बाबा मुँह एक छोरा दे दे, बाबा मुँह पे छोरा ना। अच्छा जब बाबा जी पे ही छोरा ना है वही रंडुआ है तो छोरा कहाँ दे देगो। या को मतलब ये गलत काम, यू गलत है बिल्कुल। बिना पति, अच्छा सावित्री वाकई में ही मतलब बिना पति के लड़का नहीं हो। अरे महाराज की बुद्धि खराब होली लगे बिल्कुल, जब इसे ही सारी पब्लिक समझा रही है पागल है। बुद्धि तो तेरी खराब होगी, जब तुझे ये पता था बगैर पति के पुत्र नहीं हो सकता तो क्यों मांगा तूने। क्योंकि मुझे अपने पति की जिंदगी वापस चाहिए थी। अब हम तो फसाद खड़े कर दिए। कर दिए, वचनहार हूँ तो बेइज्जती और क्या, और या के पति लौटाऊं तो प्रकृति के नियमों का उल्टा हो। अब सुन, हाँ जाके घर में चतुर औरत होगी नहीं, चतुर दिमागदार और सती औरत होगी, वहां के घर में कभी कंगाली टोटो कभी नहीं आ सके, दुर्दशा कभी नहीं है सके। इसलिए सावित्री मेरी तो बुद्धि कथित आपने शून्य कर दी है। चक्कर आ गए आपको? हाँ चक्कर आ गए हैं बिल्कुल। लेकिन अब आज जब तूने मुझे फंसा दिया दादा, आ जा याद देगो कि मोह देगो। यू भी मोते विरोध में जो कह रहा है याद आऊंगा यार। टाइम तो सबरी पब्लिक की तरह। धन्यवाद दादा जी, धन्यवाद। वो बुढ़िया भी तो जो कह रही ना हो बालक बिना पति के, ठीक सही है। कह रहे हैं सब महाराज। अब जब तेने में फंसा के खड़े कर दियो ना तो भाई सावित्री मुझे बचा, मैं कतई शून्य है वो दिमाग। ठीक है महाराज, जब आप ऐसा कह रहे हो ना तो इससे भंवर में जो फंस गए हो मैं निकाल सकती हूँ। ये मैं भी जानती हूँ कि जो दुनिया में आया है वो जाएगा। मुझे ये भी पता था कि मेरे पति की आयु समाप्त होने वाली है, लेकिन आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि क्या मेरी आयु अभी बाकी है, और अगर बाकी है तो कितनी बाकी है। तेरी आयु जी चित्रकेतु जी महाराज, हिसाब किताब निकालियो, बताइयो या कि आयु है कि ना है। महाराज आज तो रजिस्टर दूसरा है, नहीं इसमें है, है। हाँ बता। इसकी आयु है महाराज 80 वर्ष 7 महीने 6 दिन 4 घंटे 3 मिनट और 36 सेकंड। इतनी आयु अभी तो खूब जीवेगी। खूब जीऊंगी तो महाराज मेरी बात सुनो अब ध्यान से। अगर मेरी इतनी आयु अभी बाकी है तो मेरी उम्र में से आधी उम्र मेरे पति को दे दीजिए। मेरे पति जीवित हो जाएंगे, मुझे मिल जाएंगे, आपके वचन पूरे हो जाएंगे और इस दुनिया में सत्यवान सावित्री जिएंगे तो साथ साथ और जाएंगे तो भी साथ साथ महाराज, तो भी साथ साथ। तो फिर सरदारों एक सती के सामने, एक सती के सत्यत्व के सामने वो यमराज लाचार हो गया और कवि ने क्या लिख दिया, हो ए बूढ़े मुंह दे जा तो ना जी ना ले तू। हो यम राज हुए लाचार रे, लाचार रे। हो यम राज हुए लाचार हार के प्राण लाश में डारे। मेरी अरज सुनो यमराज।